बाहुबलीपुर गांव के जंगल में सुंदरी कव्वी एक ठेले में चिकन बेचा करती थी। उसकी दुकान से उसे बहुत फायदा होता था क्योंकि उसकी चिकन का ठेला बहुत अच्छे से चलता था और ग्राहकों की हमेशा से भीड़ लगी रहती थी। उसकी कमाई इतनी थी कि वो उन पैसों से छोटे घोंसले से एक बड़ा घर खरीद ली। उस दिन से उसको बहुत घमंड हो गया। एक दिन उसकी दुकान में एक ग्राहक आया। दीदी, एक प्लेट चिकन देना तो और हिसाब खाते में लिख लेना, मैं हमेशा की तरह तुम्हें महीने के आखिर में पैसे दे दूंगा। तो सुंदरी बोलती है, कैसा हिसाब? आज से उधार बंद। और हाँ, अब से चिकन 30 रुपए प्लेट नहीं मिलेंगी बल्कि 50 रुपए प्लेट मिलेगा, समझे कि नहीं? तो हरिया कहता है, अरे सुंदरी दीदी, आप ऐसे कैसे बात कर रही हो? मैं तो आपका रेगुलर ग्राहक हूँ, आपको पैसे दे तो देता हूँ ईमानदारी से। तो सुंदरी बोलती है, तुम कैसे गरीब लोगों को सस्ते दामों में चिकन बेचकर मैं गलती करती थी, अब पहले पैसे रखो फिर चिकन खाना। इस तरह से सुंदरी बहुत घमंडी हो चुकी थी और वो गरीब ग्राहकों से पहले पैसे रखवाती थी, बाद में उन्हें चिकन देती थी। जब अमीर ग्राहक आते हैं तो उनसे बहुत अच्छे से बात करती थी। सुंदरी को पता था कि जंगल के पक्षियों के पास और कोई चिकन की दुकान नहीं है जहां वो चिकन खाने जा सके, इस बात का वो फायदा उठाती थी। फिर कुछ महीनों बाद उसकी दुकान के सामने पीलू चिड़िया अपना चिकन का ठेला खोलती है। उसकी दुकान चलती देखकर सुंदरी उससे झगड़ा करने के लिए जाती है। पीलू चिड़िया, तुम मेरे ठेले के सामने चिकन क्यों बेच रही हो? कहीं और जाकर बेचो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। तो पीलू कहती है, सुंदरी दीदी, इंटरनेशनल विमेंस डे आने वाला है, इसलिए मुझे लोन मिला नया काम शुरू करने के लिए। मैं बहुत गरीब चिड़िया हूँ, तुम्हारे सामने मेरी क्या औकात है? वैसे भी मेरे कारण तुम्हें ही ज्यादा फायदा होगा क्योंकि मेरे चिकन ऑर्गेनिक है, तुम्हारी ज्यादा बड़ी पुरानी दुकान है, मैं नई हूँ और मुझे लोन भी चुकाना है। पीलू की बातें सुनकर सुंदरी वहाँ से चली जाती है। पीलू अपने ग्राहकों से बहुत अच्छे से बात करती थी जबकि सुंदरी बहुत घमंड से। जल्द ही पीलू की दुकान में भीड़ लगनी शुरू हो जाती है क्योंकि वो चिकन को सिर्फ 15 रुपए में बेचा करती थी। इंटरनेशनल विमेंस डे के लिए गांव में एक नोटिस जारी होता है कि जो चिड़िया अच्छा खाने की चीज बनाती होगी उसे इनाम मिलेगा। तो सुंदरी कहती है, ये पीलू तो बहुत ही टैलेंटेड है, इंटरनेशनल विमेंस डे कहीं ये जीत न जाए, मुझे इसकी दुकान बंद करवानी होगी, इसकी दुकान से ग्राहक भगाने होंगे। मैं अपना दाम कम नहीं करूंगी, लेकिन मैं अपने चिकन का साइज ऐसा बड़ा करूंगी कि लोग देखते रह जाएंगे, चिकन में केमिकल इंजेक्शन लगाकर उनका साइज बढ़ा दूंगी। फिर ऐसा सोचकर सुंदरी अपने घर में चिकन में इंजेक्शन लगाकर उन्हें बड़ा कर देती है और मन ही मन बहुत खुश होती है। और सुंदरी अपनी दुकान में ग्राहकों को बुलाना शुरू करती है, जंबो चिकन ले लो, जंबो चिकन, इतने बड़े चिकन कभी नहीं खाए होंगे, जंबो चिकन, जंबो चिकन। जंगल के पक्षी सुंदरी की आवाज सुनकर उसकी दुकान की तरफ भागने लगते हैं और चिकन का साइज देखकर चौंक जाते हैं और सिर्फ कुछ ही मिनट्स में सुंदरी की जंबो चिकन बिक जाते हैं। देखा पीलू चिड़िया, मुझसे पंगा लेने का नतीजा, अब इंटरनेशनल विमेंस डे मैं ही जीतूंगी। कुछ दिनों बाद इंटरनेशनल विमेंस डे आता है और 3 चिड़िया जजेस पीलू और सुंदरी के ठेले पर आते हैं। वो पहले सुंदरी के बनाए हुए जंबो चिकन का स्वाद चखते हैं, लेकिन तभी चिकन खाते ही वो लोग उल्टियां करने लगते हैं। अरे ये क्या, इन्हें तो उल्टियां हो रहे हैं। तो पीलू कहती है, सुंदरी तुमने इन चिकन में क्या मिलाया है जिससे जजेस की तबीयत खराब हो गई? सुंदरी बोलती है, अरे वो, इसके पहले सुंदरी कुछ बोल पाती सभी पक्षी उसको घेर लेते हैं। जज जाबाज बोलता है, सुंदरी एक केमिकल से बड़े किए हुए चिकन है, तुम लोगों को बीमार करने का काम कर रही हो, तुम्हें फाइन लगेगा। पीलू चिड़िया, तुम इंटरनेशनल विमेंस डे की विजेता हो। पीलू को इनाम देकर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर
सुंदरी, तुम हमसे इतना सारा पैसा लेती हो चिकन का, लेकिन चिकन के नाम पर ये जहर बेच रही हो। वो पीलू कम दाम में भी हमें स्वादिष्ट और सेहतमंद चिकन खिलाती है। ऐसे टिल्लू बोलता है तो बबलू कहता है, तुम्हारे चिकन का जंबो साइज देखकर हम लालच में आ गए और उन्हें खाकर जजेस की हालत ऐसी हो गई जैसे वो बीमार हो गए। अब तुम्हें इसका हर जाना भुगतना होगा। ऐसे कहकर सभी पक्षी सुंदरी को पुलिस के हवाले कर देते हैं। पीलू पूरी ईमानदारी के साथ स्वादिष्ट चिकन बेचना जारी रखती है और जंगल वाले उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अब जंगल में बस उसी की चिकन की दुकान थी। सुंदरी अपने लालच के कारण सजा भुगत रही थी। पीलू और बाकी लोग अब हंसी खुशी रहने लगे। एक दिन मोना शेरनी, जो कि चिंटू और निकी की मम्मी है, वह काम कर रही थी तो चिंटू वहाँ जाता है। मम्मी मम्मी, वो जो ऊपर जो कमरा है उसमें क्या रखा हुआ है? जब देखो वह कमरा बंद ही रहता है। चलो ना उसे खोल कर देखते हैं आखिर क्या है उस कमरे में। नहीं चिंटू, जाकर अपनी पढ़ाई करो, चलो। ऐसे काम में तुम्हारा बहुत दिमाग चलता है। मैंने मना किया ना तुम्हें, जिस काम के लिए मना किया जाए वह मत किया करो, लेकिन तुम फिर भी नहीं समझते हो। चलो अब जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। चलो, जब भी मैं आपसे उस कमरे के बारे में पूछता हूँ तो आप मुझे ऐसे ही पढ़ाई के नाम पर भगा देते हो। मुझे पता क्यों नहीं देते कि आखिर उसमें क्या रखा हुआ है? चिंटू बंदर अपनी मम्मी से बोल ही रहा था कि तभी वहाँ ननकी लोमड़ी भी आ जाती है। मम्मी, इस डब्बे को खोलो ना, इस पर ताला लगा हुआ है। इसे खोलकर दिखाओ मुझे इसके अंदर क्या रखा हुआ है। वह कम था क्या जो दूसरी तू आ गई? मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है कि ये सब पापा का सामान है, इसे हाथ मत लगाया करो। ये सब पापा के जरूरी हो सकता है, इसलिए अब तुम इन्हें रखो और जाओ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मम्मा प्लीज, मुझे बताओ ना इसके अंदर क्या रखा हुआ है, इसे खोलकर तो देखो ना, इसके बाद हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे। बोला ना बच्चों, नहीं का मतलब नहीं। चलो जाओ, अब मुझे काम करना है और फिर बाजार भी जाना है। तुम खुद अपने पापा से ही पूछ लेना। चलो अब मुझे काम करने दो। थोड़ी देर में मम्मी बाजार के लिए चली जाती है और चिंटू बंदर और ननकी लोमड़ी मौका पाते ही उस डब्बे को फिर से खोलने में लग जाते हैं, मगर ताला लगा होने की वजह से वह उनसे खुलने वाला नहीं था। वह मायूस होकर अपने पापा रॉकी भालू के पास जाते हैं। पापा, आपने इसके अंदर ऐसा क्या रखा हुआ है जो मम्मी इसे हमें कभी नहीं छूने देती? आप इसे खोलिए ना। अच्छा तो तुम इसे क्यों खुलवाना चाहते हो? पापा इसे खोल दीजिए ना, हमें बस देखना है इसमें क्या रखा है। अच्छा ठीक है, मैं इसे खोल दूंगा, मगर मेरे पास एक और ऐसा ही बॉक्स है, वो भी मैं अभी लेकर आता हूँ, रुको। रॉकी भालू अंदर अपने कमरे में से एक और बॉक्स लेकर आता है जिस पर भी ऐसा ही ताला लगा हुआ था। पापा, इस बॉक्स पर भी ऐसा ही ताला लगा है। बेटा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसके अंदर क्या है। बच्चों, इसके अंदर मेरे बचपन का खजाना है जो मैं तुम्हें दे दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है, तुम्हें इन दोनों बॉक्स में से अपना एक एक बॉक्स पहले ही चूज करना पड़ेगा, तो तुम अपने लिए एक एक बॉक्स चूज कर लो। क्या कहा पापा, इसके अंदर आपका खजाना है क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं तो ये वाला बॉक्स लूंगी। तो ठीक है पापा जी, ये वाला बॉक्स मैं लूंगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें से जो भी निकलेगा वो तुम्हें रखना होगा। चलो बच्चों हटो, मुझे ताला खोलने दो। रॉकी सबसे पहले चिंटू वाला बॉक्स खोलता है तो उसके अंदर बहुत सारी किताबें होती हैं, जिसे देखकर चिंटू बहुत उदास हो जाता है। फिर रॉकी ननकी वाला बॉक्स खोलता है तो उसके अंदर उसे बहुत सारे खिलौने मिलते हैं, जिसे देख चिंटू और उदास हो जाता है। तब ननकी अपने भाई को देखकर उससे कहती है, भाई क्या हुआ, आप उदास क्यों हो रहे हो? आप तो मेरे भाई हो, और जो मेरा है वो आपका भी तो है ना, और जो आपका है वो मेरा है, तो ये खिलौने भी तो आपके हुए ना। चिंटू ये सुनकर बहुत खुश होता है। भैया, आज साथ में इन किताबों को हम पढ़ेंगे और इन खिलौने से भी खेलेंगे। हाँ ननकी, हम पापा के खजाने से बहुत मस्ती करेंगे। तुम तो सच में बहुत समझदार हो मेरे बच्चों। मैं यही तो देखना चाहता था कि तुम दोनों अपने अपने खजाने के साथ क्या करोगे, मगर तुमने उन्हें साथ में खेलने के बारे में सोचा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब तुम मेरे खजाने का फायदा उठाओ और जाओ अपने दोस्तों के साथ खेलो और मस्ती करो। दोनों खिलौने लेकर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए बाहर चले जाते हैं। सुंदरनगर गांव के जंगल में कड़क सेठ बहुत ताकतवर जमींदार था। वो और उसका दोस्त जाबाज चील गरीब मजदूरों से अपने खेत के काम करवाते थे, लेकिन मजदूरी के लिए पैसे नहीं देते थे। इस वजह से मजदूर बहुत दुखी रहते थे। उन मजदूरों में दुर्गा भक्त पीलू भी थी। पीलू बहुत ही दयालु थी और मजबूरी में मजदूरी करती थी। ऐसे ही नवरात्रि के समय एक दिन कड़क पूछता है, अरे ये मजदूर क्यों नहीं आए? मेरा नुकसान हो रहा है, खेती का काम बहुत महंगा होता है, कब समझेंगे ये लोग गरीब लोग? तो जाबाज कहता है, अरे कड़क भाई, ये पीलू है ना, इसने सबको नवरात्रि का व्रत करने के लिए
कह रखी है, इसी वजह से ये सब कमजोर हो गए हैं। पीलू को पकड़ कर ले आओ और उसी से पूरी मजदूरी करवाऊंगा। उसका जो भी साथ दे उसे भी भूखे पेट मजदूरी करवाएंगे। बड़े आए दुर्गा भक्त। तो जाबाज कहता है, ठीक है भाई। फिर कुछ ही देर में जाबाज पीलू के घर में पहुंच जाता है। वहां पर पीलू सबको दुर्गा जी की कथा सुना रही थी। ये देख कर जाबाज बहुत गुस्से में आ जाता है। उसको देख कर बहुत से मजदूर पक्षी वहाँ से भाग जाते हैं। आइए जाबाज जी, आप भी कथा सुन लीजिए। तो जाबाज कहता है, यह कथा वथा सुनने नहीं आया हूँ, चलो मजदूरी करने। लेकिन आज तो नवरात्रि का व्रत है, आज दुर्गा जी की कथा सुननी चाहिए। तो सुंदरी कहती है, हाँ हम पीलू के साथ हैं। तो बंटी कहता है, एक दिन भी हमें आप चैन से नहीं रहने देते हैं। पीलू कितनी बड़ी भक्त है, आप उसे कम से कम छोड़ दो। तो जाबाज कहता है, अब तो तुम दोनों को भी मैं इस पीलू के साथ लेकर जाऊंगा। कड़क भाई, ये तीनों को लेकर आया हूँ। ये पीलू बहुत बड़ी बदमाश है, कह रही थी कि देवी की भक्त करनी है, मजदूरी नहीं। तो कड़क कहता है, अब इसको डबल मजदूरी करनी पड़ेगी। ऐसे कड़क उनसे दिन रात काम करवाता गया, लेकिन व्रत होने की वजह से वो लोग कुछ नहीं खाए थे और कमजोर पड़ने लगे। तो पीलू कहती है, कड़क सेठ जी, हम मजदूरी कर रहे हैं जिससे आपकी शानो शौकत है। आपको भी हमें मेहनत के पैसे देने चाहिए और हमें व्रत में ऐसे काम नहीं करवाना चाहिए। इन दोनों को कुछ फल तो दीजिए। तो कड़क कहता है, तू जरूरत से ज्यादा बोलती है, तुझे भक्ति करनी है तो मंदिर में क्यों नहीं काम करने लगती है तू। तो जाबाज कहता है, सही बात है, तुझे पैसे नहीं मिलेंगे, ना ही खाने के लिए कुछ मिलेगा। अब काम कर वरना तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। कड़क की धमकी से सब डर जाते हैं। कड़क और जाबाज बहुत ही क्रूर थे, वो सुंदरी और बंटी को कुछ भी खाने को नहीं दे रहे थे। पीलू हिम्मत दिखाती है, हे दुर्गा माँ, आप ही हमारी रक्षक हो, आप ही इन दुष्टों से सुंदरी और बंटी को बचाओ। जो बुरा होना है मेरा हो जाए, क्योंकि मुझे तो बस आपकी भक्ति से मतलब है, ये दोनों मेरे कारण ही फंस गए हैं। पीलू खुद बहुत कमजोर हो चुकी थी, लेकिन वो दुर्गा जी को लगातार याद करती रहती थी। जय माँ अम्बे, जय माँ अम्बे, जय माँ अम्बे। सुंदरी और बंटी बेहोश हो जाते हैं। बड़ी आई भक्त मंडली, कमजोर मजदूर। तभी वहाँ पर बहुत तेज रोशनी होती है। अरे ये क्या लगता है, माँ प्रकट हो रही है। दुर्गा माँ कहती है, पीलू बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ले रही थी। तुम बहुत नेक दिल की हो और मुझे माँ मानती हो। बेटी, तुम्हें जो भी तकलीफ इन बदमाशों ने दी है, अब उसका इन्हें सजा मिलेगी और तेरा कल्याण होगा बेटी। दुर्गा जी की कृपा से पीलू पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। अरे नहीं, ये कौन है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तो जाबाज कहता है, आ मेरी आंखें चुभ रही है। दुर्गा जी उन दुष्ट को बहुत दंड देती है और उनका सारा घमंड टूट जाता है। माँ दुर्गा, मुझे आपकी भक्ति से कभी भटकने नहीं दीजिएगा। दुर्गा जी के आशीर्वाद से पीलू उस जमीन की मालकिन बन जाती है। उसके पास बहुत सी धन दौलत आ जाती है। पीलू सभी गरीबों की ख्याल रखने लगती है। दुर्गा जी के मंदिर में आए दिन भंडारा करवाती है। वो अब कड़क और जाबाज को भी अच्छे प्रसाद देती थी। वो दोनों अब पूरी तरह से सुधर गए थे। अब दुर्गा जी की कृपा से सभी हंसी खुशी रहने लगे। पुणेपुर गांव के जंगल में गरीब पीलू चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। वो अपना एक छोटा सा नाश्ते का ठेला लगाती थी। वो बहुत गरीब थी और बंटी मोटर कार रिपेयरिंग का काम करता था। पीलू और बंटी गणेश जी के बहुत बड़े भक्त थे। गरीब होने के बावजूद पीलू हमेशा गणेश जी को शुद्ध घी के लाडू और ताजे फल भोग लगाती थी। एक दिन बंटी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसके हाथ टूट जाते हैं। देखो पीलू, इतनी गरीबी में और ये मुसीबत आ गई है। आप दुखी मत होइए जी, गणेश जी सब ठीक कर देंगे। ऐसा कहकर पीलू
पैसे कमाने के लिए बबलू की जगह मोटर गाड़ी रिपेयरिंग शुरू कर देती है, लेकिन उससे वो अपने काम से आकर गणेश जी को भोग लगाया करती थी और उनकी पूजा करती थी, उसके बाद नाश्ता बेचा करती थी। एक दिन पीलू जब मोटर गाड़ी का काम करने के लिए गई, तो उसके मालिक ने उसे काम से निकाल दिया। पीलू, अब से मुझे तुम्हारे काम की जरूरत नहीं है, मैं ऑटोमेटिक मशीन खरीद लाया हूँ, अब तुम जा सकती हो। लेकिन मुझे पैसों की बहुत जरूरत है सेठ जी। देखो, अब जमाना मशीनों का है, अब से काम मिलना बहुत मुश्किल होने वाला है। पीलू रोते रोते घर वापस आती है। गणेश जी, अब मैं क्या करूं? मैं ही अब घर संभाल रही थी, अपने पति का इलाज कराना है, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। ना नाश्ते की दुकान चलती है, ना नौकरी चली, पता नहीं हमारा क्या होगा। आप विघ्नहर्ता है, थोड़ी कृपा कीजिए। पीलू मन से गणेश जी को याद करती है, तो उसके सामने स्वयं गणेश जी प्रकट हो जाते हैं। बेटी, दुखी मत हो, तुझे तो मुझ पर विश्वास है ना, तो दुखी क्यों हो रही है? मैं तेरी हर मुसीबत, हर तकलीफ को अच्छे से समझता हूँ। तूने बहुत दुख देखी है और फिर भी मेरी भक्ति में कमी नहीं आने दी। मैं अब तेरी सारी तकलीफें दूर कर दूंगा। गणेश जी, आपके दर्शन हो गए, यही शुभ है। पीलू, तू बहुत साफ दिल की है, मैं तुझे एक तवा दे रहा हूँ, तू इसमें पराठे बनाना और अपनी दुकान में बेचना, कुछ ही दिनों में तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। गणेश जी, लेकिन मैं सबसे पहले आपको ही भोग लगाऊंगी। जैसी तेरी इच्छा बेटी। और फिर गणेश जी पीलू के लिए तवा प्रकट कर देते हैं और उसे आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। पीलू बंटी को सब बात बताती है। देखिए जी, गणेश जी मुझे दर्शन देकर कृपा करे हैं और मुझे ये तवा दिए हैं, इस पर मैं पराठा बनाकर बेचूंगी। भगवान गणेश जी तुम्हें दर्शन देकर बहुत बड़ी कृपा किए हैं पीलू, उनके आशीर्वाद से सब संभव है, गणेश जी की जय हो। पीलू हर दिन सबसे पहले पराठा गणेश जी को भोग लगाती थी। पीलू के पराठे जल्दी ही पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो बबली दुकान में आती है। वाह पीलू वाह, तुम्हारे हाथ के पराठे तो बहुत ही टेस्टी है, मैं तो अब इन्हें हर दिन लेकर जाया करूँगी। बबली जी, आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया, ये सब तो गणेश जी की कृपा से हुई है, मैं आपको हर दिन गर्मा गर्म पराठे बना कर दूंगी। तो सुंदरी आती है। इतने सस्ते और स्वादिष्ट वैरायटी के पराठे, वो भी इतनी हाई क्वालिटी के, ये क्वालिटी और टेस्ट तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं दे सकते हैं। अब बंटी भी ठीक हो जाता है और पीलू की मदद करता था। पीलू और बंटी गरीबों को मुफ्त में पराठा देते थे और गणेश जी की सेवा करते थे। इस तरह से अब उनकी गरीबी दूर हो जाती है और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोनों पति पत्नी उसके पास जाते हैं। कड़क सेठ, आप हमें हमारा पैसा वापस दे दीजिए, हमें आपसे दुकान नहीं खरीदनी है। ठीक है, ये लो 1,00,000 रुपए। पीलू कहती है, लेकिन हमने आपको 5 लाख दिए थे ना। तो कड़क कहता है, तो मैंने कहा है क्या बुकिंग कैंसिल कराने के लिए? अब बुकिंग करोगे तो 10 लाख लूंगा, चलो भागो यहाँ से। हीरापुर गांव के जंगल में कड़क सेठ बहुत ही अमीर, लालची और धोखेबाज सेठ था। उसके बेहिसाब संपत्ति थी, पेट्रोल पंप, फिल्म थिएटर, गाड़ियों का कारोबार, सोने हीरे की दुकानें वगैरह थी। कड़क जल्द ही एक मॉल भी शुरू कर देता है। पीलू उसी गांव में एक छोटी सी किराना दुकान चलाती थी, लेकिन आजकल उसकी दुकान में भीड़ नहीं रहती थी, वो काफी परेशान रहने लगी। उसी समय टिल्लू आता है। पहला दे दे, एक कोल्ड ड्रिंक देना था। ये लो कोल्ड ड्रिंक। टिल्लू भैया, आजकल ज्यादा लोग मेरी दुकान में आते नहीं हैं, क्या तुम बता सकते हो ऐसा क्यों है? हाँ, आजकल क्या है ना, सभी चीज ऑनलाइन ही मिल जाती है, माचिस से लेकर कार तक सब कुछ ऑनलाइन इंटरनेट में मिल जाता है। और देखो, एक डिलीवरी बॉय जा रहा है। अच्छा, तो ये लोग हैं जो सामान डिलीवर करते हैं ऑनलाइन कंपनियों के लिए, लेकिन इसमें हम छोटे दुकानदारों का क्या फायदा है? तुम ऐसा करो कि किसी मेन मार्केट जगह में अपनी दुकान लगा लो, बड़ी दुकानों में भीड़ रहेगी, कुछ लोग तुम्हारे यहाँ भी आ जाएंगे। इसके बाद पीलू घर आके अपने पति बंटी को
सब कुछ बताती है। तो बंटी कहता है, कड़क सेठ का माल इस जंगल में बहुत चलता है, क्यों ना तुम उसी के बगल में दुकान खोल लो, पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगा। लेकिन कड़क सेठ बहुत चालाक था। जैसे ही उसे पता चला कि पीलू उसके मॉल के बगल में दुकान खोलना चाहती है, तो वो उसे एक सौदा कर लेता है। देखो बंटी, पीलू मेरे मॉल के सामने तुम्हारी दुकान की कोई औकात नहीं रहेगी, तुम एक दुकान मुझसे खरीद लो, 5 लाख रुपए में, उसी में तुम्हारी भलाई है। अगर आप हमें 5 लाख में दुकान देंगे तो हम ले लेंगे कड़क सेठ। तो पीलू कहती है, ठीक है हम ऐसा ही करते हैं। लेकिन बहुत दिन गुजर जाने के बाद भी उनकी दुकान उन्हें कड़क सेठ नहीं देता है। दोनों पति पत्नी उसके पास जाते हैं। कड़क सेठ, आप हमें हमारा पैसा वापस दे दीजिए, हमें आपसे दुकान नहीं खरीदनी है। ठीक है, ये लो 1 लाख रुपए। पीलू कहती है, लेकिन हमने आपको 5 लाख दिए थे ना। तो कड़क कहता है, तो मैंने कहा है क्या बुकिंग कैंसिल कराने के लिए? अब बुकिंग करोगे तो 10 लाख लूंगा, चलो भागो यहाँ से, नहीं तो ये भी नहीं दूंगा। दोनों पति पत्नी दुखी मन से घर आते हैं। तो पीलू कहती है, अब हम क्या करेंगे जी, हमारी पूरी संपत्ति खर्च हो गई है। मुझे सोचने दो, कोई ना कोई रास्ता तो निकलना होगा। फिर बंटी अपने दोस्त हरिया के पास जाता है, वो एक ऑटो मैकेनिक था, उसके पास एक पुरानी गाड़ी थी। बंटी अपने दोस्त से पूरी बात कहता है और हरिया उसे उस गाड़ी का उपयोग बताकर एक आइडिया देता है। बंटी बहुत खुश हो जाता है, वो घर आकर पीलू को अपना प्लान बताता है। तो पीलू कहती है, ये तो वाकई बहुत अच्छा प्लान है। अगले दिन बंटी गाड़ी में पूरी किराना दुकान सजाकर निकलता है, लोग बड़ी हैरानी के साथ उसे देखते हैं। तभी जाबाज कहता है, अरे ऐसे सुपर मार्केट तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो बबली कहता है, वाह वाह बंटी भैया, पीलू दीदी, आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया है, अब से मैं आपके इस गाड़ी सुपर बाजार से ही सामान खरीदूंगा। तो बंटी कहता है, ये गाड़ी सुपर बाजार पूरे जंगल वालों के लिए सबसे सस्ती दुकान है, मॉल भूल आओ, वहाँ का महंगा सामान भूल जाओ, यहाँ गाड़ी सुपर बाजार से किफायती कीमत में सामान खरीदो, हमारी गाड़ी बाजार आपके पास एक फोन कॉल में खुद ही चलकर आएगी, आपको ऑनलाइन ऑर्डर करने की परेशानी से बचाएगी और मॉल जाने की तकलीफ से भी आपको छुट्टी मिलेगी। इस तरह से बंटी और पीलू अपना गाड़ी सुपर बाजार चलाने लगते हैं और जंगल के पक्षी उनको बुला बुला कर उन्हीं के यहाँ सामान खरीदने लगते हैं। जल्द ही कड़क का महंगा मॉल बुरी तरह से नुकसान में चला जाता है और जो उसने बैंक लोन लिया था वो नहीं चुका पाता है, इस वजह से उसे जेल हो जाती है। फिर पीलू और बबलू हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।